So good morning class 11 students, we are doing binomial theorem, and in binomial theorem I have given you exercise 8.1 as homework. I'm sure you would have done it. If you have not done, then start doing it. Let's do some questions today. I'm reading out certain questions. Question number 11, find this a plus b ki power 4 minus a minus b ki power 4 and hence evaluate the term. So kya karenge, Pascal triangle se bhi kar sakte hain. Question number 11, a plus b whole to the power 4 minus a minus b whole to the power 4, ठीक है? अगर आप पास्कल ट्रायंगल से याद कर लें n equal to 4 पर वैल्यू, then it's very good. Otherwise you can use binomial theorem of course. तो वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर basically ये वो काम करते हैं. A की power 4 दोनों में common. I'm doing it another way. Easy way भी है and one is this way. 1 plus b by a, ठीक है, क्या किया मैंने, a की पावर 4 कॉमन ले लिया दोनों में से, और इसमें से भी लेता हूँ a की पावर 4, तो क्या मिलेगा, 1 माइनस b बाय a की पावर 4, ठीक है, ये हो गया 1 प्लस x और ये हो गया 1 माइनस x, a की पावर 4 थ्रू आउट कॉमन ले लिया, 1 प्लस x का एक्सपेंशन बहुत सिंपल है, 1 प्लस, ठीक है, 4c 1, ये 4c 0 होता है, 4c 1, b बाय a की पावर 1, इंक्रीजिंग पावर भी ले सकते हैं और डिक्रीजिंग पावर भी ले सकते हैं, तो मैं इंक्रीजिंग पावर ले रहा हूँ, 4c2 b by a की पावर 2, 4c3 b by a की पावर 3, 4c4 b by a की पावर 4, ठीक है, इसको मैं लिखूंगा माइनस, ये वाला जो माइनस साइन है, 1 माइनस चल रहा है, तो ये अल्टरनेट चलता है, अल्टरनेट क्यों चलता है, देयर वाज अ क्वेश्चन आस्क्ड बाय स्टूडेंट कि सर ये अल्टरनेट क्यों होता है, उसका रीजन भी बता रहा हूं. तो पहले ऑल्टरनेट लिख देते हैं, 1 माइनस 4c1 b बाय a की पावर 1 प्लस 4c2 b बाय a की पावर 2 माइनस 4c3 b बाय a की पावर 3 प्लस 4c4 b बाय a की पावर 4, ठीक है, ये माइनस साइन बाहर होने के कारण क्या करेगा, इन सब पे साइन चेंज कर देगा, साइन चेंज कर देते हैं, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, अब इनको ऐड कर लेते हैं, लेट्स सी, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, पूरा पूरा टर्म कैंसिल हो गया, ठीक है, दिस कैंसिल, दिस कैंसिल, अब क्या बचा, बचा a की पावर 4, दोनों टर्म ऐड हो जाएंगे तो 2 बाहर ले लेता हूं, दिस प्लस दिस मेक्स इट 2, 2 बाहर आ जाएगा, यहां पे 2 बाहर आ जाएगा, कौन से टर्म है ये, 4c1 b की पावर a की पावर 1, ये बच गया, और एक बच गया 4c3 b / a की पावर 3, ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए और a की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर, 4c1 होता है आपका 4 और 2 4 जा 8, a की पावर 4, तो a की पावर 4 जब मल्टीप्लाई करेंगे यहां पे तो b की पावर 1 और a की पावर 3 आ जाएगा, एक एक आ जाएगा, ठीक है, 4c3 भी 4 ही होता है, तो 4 2 जा 8, फिर से 8 आ गया, a की पावर 3 पूरे कट गया, एंड दैट इज द आंसर. You can do it in many ways. आपका choice है, your choice. How you solve this question? Okay. So try it your way. So you can also confirm the answer for this one. And see what we have done is we have used simple 1 plus x and 1 minus x, which is very easy to understand and remember. See, it is easy to understand 1 plus x and 1 minus x. How? This is our question number 11. A cube b and A B आ रहा है यहाँ पर, A B क्यूब आ रहा है, ठीक है, तो वो देख लेते हैं A B क्यूब कहाँ से आया, या यहाँ पे देखो A की पावर 4 चल रहा है, तो A A तो बच गया ना, so that is answer, right? So now see what I am saying is, एक तो ये बताना है कि माइनस साइन अल्टरनेट क्यों आता है, तो मैंने एक्सप्लेन किया है माइनस वन के पावर्स देखेंगे हम, सो इफ यू लुक एट द पावर्स ऑफ माइनस वन then they are alternate, ठीक है, माइनस वन के पावर अल्टरनेट चलते हैं और वन के पावर सब वन होते हैं, तो माइनस वन के पावर देख लेते हैं, माइनस वन का पावर वन क्या होता है, माइनस वन, माइनस वन का पावर टू क्या होता है, माइनस वन का स्क्वायर, तो वो होता है वन, माइनस वन का पावर थ्री क्या होता है, होता है माइनस वन, माइनस वन का पावर फोर क्या होता है, वो होता है वन, तो माइनस वन वन, और माइनस वन का जीरो पावर लगाएंगे तो 1, तो 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 सो ऑन, सो
सो अब आप देखो 1 माइनस एक्स की पावर एन जब निकाल रहे हैं हम, तो हमें माइनस एक्स को एक टर्म ले लेना है, और माइनस साइन होने के कारण ये अल्टरनेट टर्म्स देगा, तो पहला टर्म 1 हो जाएगा, फिर एक्स की पावर आएगी तो वो माइनस के साथ आएगी, और यहाँ पर आएगा एन सी जीरो, एन सी वन, यहाँ पे एन सी जीरो आता है एन सी वन, फिर एन सी टू और एक्स की पावर टू प्लस के साथ, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, फिर माइनस एन सी थ्री एक्स की पावर थ्री प्लस एन सी फोर एक्स की पावर फोर एंड सो ऑन। सबसे आसान ये होता है लर्न करना, अंडरस्टैंड दिस, ओके। सो जो रूट थ्री रूट टू वाला क्वेश्चन है उसमें आप लास्ट में वैल्यूज पुट कर सकते हो, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था, यू कैन गेट द आंसर। नाउ लुकिंग एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है फाइंड एक्स प्लस वन, और इसमें भी देख लेते हैं, देखो एक्स माइनस वन जो है ना, इसमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कर लो। क्वेश्चन नंबर 12, वी आर हैविंग एक्स प्लस वन की पावर सिक्स प्लस एक्स माइनस वन की पावर सिक्स, तो इसमें काम करते हैं इसको 1 प्लस एक्स बना लो, कोई दिक्कत नहीं, 1 प्लस एक्स के बराबर है, इक्वल है ये 1, अगर 1 माइनस एक्स लिखूंगा तो एक आएगा माइनस वन की पावर सिक्स, माइनस वन कॉमन लिया मैंने, बट माइनस वन की पावर सिक्स होता है 1, तो ये सेम रहेगा, दिस इज सेम है 1 प्लस एक्स की पावर सिक्स प्लस 1 माइनस एक्स की पावर सिक्स, तो दीज टू आर सेम। ये लिखना बहुत आसान है, इट्स वेरी इजी। कैसे, अभी सीखा था 1 प्लस 61 एक्स प्लस 62 एक्स स्क्वायर 63 एक्स क्यूब एंड सो ऑन, और नीचे वाला लिखेंगे ऑल्टरनेट 1 माइनस 61 एक्स 62 एक्स स्क्वायर माइनस 63 एक्स क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, ये वाला कैंसिल हो जाएंगे सिंपल टर्म्स, और नंबर कैंसिल हो गए, 2 लिख दो और एक बार ये इवन के साथ लिख दो, 1 प्लस 62 एक्स स्क्वायर प्लस 63 एक्स की पावर 64 एक्स की पावर 4 एंड 66 एक्स की पावर 6, दैट्स इट। नाउ 2 का बार आ चुका है 1 प्लस, अब आपको कैलकुलेट कर लेना है 62 कितना होता है, 64 कितना होता है, ठीक है 62, दिस विल बी इक्वल, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन वैसे था ना 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, तो 62 और 64 की वैल्यू सेम होती है, 4 फैक्टोरियल है तो 4 फैक्टोरियल कर जाएंगे, यहाँ बचेगा 5 इंटू 6 और यहाँ बचेगा 1 इंटू 2, तो ये आया हमारा कितना 15, तो 15 एक्स स्क्वायर और यहाँ पे भी आ गया 15 एक्स की पावर 4 और यहाँ पर आ गया 1, 66 1 होता है एक्स की पावर 6, और इन सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 प्लस 30 एक्स स्क्वायर प्लस 30 एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 6, दिस इज द आंसर। नाउ इसमें अगर वैल्यू रखनी है अपने को रूट 2 एक्स की जगह, तो एक्स की जगह रूट 2 रखेंगे तो क्या आएगा 2 प्लस 30 रूट 2 का स्क्वायर 2 और रूट 2 की पावर 4, तो 2 टू 4 4 हो जाएगा, तो 30 इंटू 4 प्लस रूट 2 की पावर 6 यानी 2 की पावर 3 8 हो गया, तो 2 प्लस 16 प्लस 120 प्लस 8, तो 120 प्लस 60 कितना होता है 180, 180 प्लस 10 190, तो इसका आंसर हो जाएगा 190 जो हमने क्वेश्चन दे रखा है, ये हमने सॉल्व कर लिया, दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। सो आई एम श्योर यू विल सी दिस इज सो अननोइंग इफ यू आर सॉल्विंग इट, बिकॉज अलजेब्रा और उसके अंदर वैल्यू पुट करना, सब्स्टिट्यूट करना, दिस इज लाइक वेरी वेरी इजी जॉब, सो यू शुड ट्राई दिस। चेक कर लेते हैं आंसर, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 12, 2 कॉमन आ रहा है, एक्स की पावर 6 आ रहा है, 15 एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर और आंसर 198 दिया है बेटा, तो 198 कैसे दिया है लास्ट में देख लेते हैं, इसने आंसर 198 दे दिया है, तो हमारा 190 आ रहा है, तो अगर हम एक बार वैल्यू चेक करें तो 2 लिखा है मैंने प्लस, एक बार देख लेता हूँ मैं, लेट मी सी वन मोर टाइम, क्या रूट 2 तो सही लिखा है, इसके लिखा रूट 2 का स्क्वायर होता है 2, 32 टू 60, ठीक है रूट 2 की पावर 4 होती है 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 हो गया ना, तो 3 टू द ये कितना आएगा 120, ये भी सही लिखा है और 2 की पावर 6, रूट 2 की पावर 6 हो जाएगा 2 की पावर 3 मतलब 8 हो गया, सही है, तो 8 प्लस 2 10 प्लस 60 प्लस 120 मेरे साथ तो 190 आ रहे हैं और इसने 198 दे रखा है, सो यू शुड चेक दिस आंसर ऑन योर ओन एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स व्हाट इज द करेक्ट आंसर 190 या 198, ओके। इफ यू हैव डन एनी मिस्टेक यू कैन टेल दैट सर दिस इज अ मिस्टेक हियर, ओके लेट मी चेक वन मोर टाइम, जो आंसर देगा वो तो मैच कर रहा है हमारा एक्स की पावर 6
15x की बार 4 15x स्क्वायर प्लस 1 और इसमें अपन चलो इसमें वैल्यू पुट करके देख लेते हैं 2 बाहर रख लेते हैं एक बार तो यहां पर आएगा 1 यहां पर आएगा √2 √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 15 2 का 30 ठीक है और यहां पे हो जाएगा 60 और 60 प्लस 30 होता है आपका 90 90 प्लस 1 91 और x की पावर 6 होता है आपका या तो यहां से तो 190 आ रहा है बेटा इसमें कुछ गड़बड़ करिए लेट मी जस्ट चेक वन मोर टाइम बिकॉज़ सी अगर यहां पे वैल्यू पुट करते हैं अपन √2 तो ये आ जाएगा 30 सही है 60 60 प्लस 30 90 प्लस 1 91 और प्लस 8 तो यहां पर मैंने गड़बड़ कर दी है यू कैन सी दैट आई हैव नॉट मल्टीप्लाइड दिस टर्म बाय 2 कोई बच्चा बोल भी रहा हो वेरी गुड दोस हैव सीन दिस तो 2 से हमको यहां पे मल्टीप्लाई करना था 2 प्लस 30 स्क्वायर प्लस 30 2 तो ये हो जाएगा आपका 16 ठीक है तो 16 होने के कारण यहां पे आ जाएगा 16 और 16 प्लस 2 18 और 180 प्लस 18 198 सो वेरी गुड दोस हु हैव सीन दिस मिस्टेक एंड डन इट वेरी गुड वेल डन नाउ नेक्स्ट वन अगला क्वेश्चन देखो 13 क्वेश्चन आपका बेसिकली क्या है दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन देन वी कैन मूव ऑन टू मिडिल टर्म एंड जनरल टर्म ऑफ द बाइनोमियल एक्सपेंशन ओके तो ये भी लिख लेते हैं एक बार जल्दी से तो बेटा क्वेश्चन है अगर इसको ऐसे कर सकते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 13 को मैं लिखूंगा अगर 9 को है ना 9 की पावर n प्लस 1 ही ले लेते हैं क्योंकि हाईएस्ट पावर n प्लस 1 दे रखी है तो 1 प्लस 8 की पावर n प्लस 1 कर देते हैं ठीक है ये तो 1 प्लस x की पावर n की तरह हो गया लेकिन n की जगह n प्लस 1 लेना है तो इसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ और बाइनोमियल से इसको एक्सपेंड कर देते हैं पहला टर्म बनाएगा नो प्रॉब्लम दूसरा टर्म आएगा n प्लस 1 सी 1 8 की पावर 1 ठीक है नेक्स्ट टर्म आएगा n प्लस 1 सी 2 8 की पावर 2 अगला टर्म आएगा n प्लस 1 सी 3 8 की पावर 3 डॉट 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 लास्ट टर्म आएगा n प्लस 1 सी n प्लस 1 8 की पावर n प्लस 1 ठीक है This is our expansion. Now, 9n plus 1 आ गया इसको आगे देखते हैं दोनों टर्म्स को 1 आ रहा है और n plus 1 c 1 होता है n plus 1 खुद ही होता है इसको सॉल्व करेंगे तो n plus 1 आएगा ठीक है ना 8 मल्टीप्लाई कर देते हैं प्लस इसमें 8 स्क्वायर आ रहा है यानी आगे की टर्म्स में सब में 8 स्क्वायर तो आ गई 8 स्क्वायर 8 क्यूब 8 के बाद n plus 1 तो मैं 8 स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं और लास्ट जितनी भी टर्म्स हैं ठीक है उनको हम कुछ लिख सकते हैं दे कैन बी रिटन एज सम नंबर लाइक सपोज वी कैन राइट एम एज आर और के ठीक है तो हम यूक्लिड्स डिविजन लेमा यूज करेंगे यहाँ पे कैसे बताता हूँ अब इसको देखो 9n प्लस 1 इसको मल्टीप्लाई करो 1 8n प्लस 8 इसको लिख देता हूँ 64k ठीक है तो 9n प्लस 1 1 प्लस 8 क्या होता है 9 प्लस 8n प्लस 64k इस सबको जब ले आता हूं तो क्या मिलेगा मेरे को 9n प्लस 1 माइनस 9 माइनस 8n इज इक्वल टू 64k तो ये इक्वेशन हमें बता रहा है कि ये जो नंबर है 9n प्लस 1 माइनस 9 माइनस 8n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 64 बिकॉज़ इट इज 64 मल्टीप्लाइड बाय k हेंस आवर थ्योरम इज प्रूव ठीक है तो बाइनोमियल थ्योरम से ये हमने प्रूव कर दिया अगला क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं बहुत सिंपल सा एक समेशन है नाउ वी आर टेलिंग यू जनरल टर्म्स एंड मिडिल टर्म सो दैट यू कैन डू द नेक्स्ट एक्सरसाइज तो बेटा जनरल टर्म क्या होता है जनरल टर्म इज एंड लेट अस सी द जनरल टर्म एंड द मिडिल टर्म जनरल टर्म इज टी आर टी एन भी बोलते हैं कई जगह टी जैसे आपने एपी में होता है ना ए एन ऐसे यहाँ पे टी एन लिख देते हैं nth term is equal to या t r लिख देते हैं चलो rth term ठीक है उसको होता है n और यहाँ पर r plus 1 लिखते हैं हमेशा एक ज़्यादा r से अधिक क्योंकि यहाँ पर n से r आएगा और इसका एक्सपेंशन मैं बता रहा हूँ a की पावर b a plus b की पावर n में जनरल टर्म होता है t r plus 1 n c r is equal to a की पावर n minus r b की पावर r ठीक है दिस इज आवर जनरल टर्म और अगर अपनी बाइनोमियल थ्योरम एज इट इज लिखना चाहते हैं तो वो सिग्मा में ऐसे लिखा जाता है सिग्मा जो लास्ट क्वेश्चन था ना वो इसी से रिलेटेड था r इज इक्वल टू 1 से लेकर n कर देता हूं ठीक है या 0 से स्टार्ट कर देता हूं
जीरो से स्टार्ट कर लेता हूँ, एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर। अब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो माइनस में चौरा मिल जाएगा आपको, कैसे मिल जाएगा, एन सी जीरो ए की पावर एन माइनस जीरो एन बी की पावर जीरो, एन सी वन ए की पावर एन माइनस वन बी की पावर वन, एन सी टू ए की पावर एन माइनस टू बी की पावर टू, एन सी थ्री ए की पावर एन माइनस थ्री बी की पावर थ्री एंड सो ऑन। ठीक है, दिस इज एक्चुअली आवर बाइनोमियल थ्योरम, दिस इज कॉल्ड जनरल टर्म। पर ये टर्म कौन सा है, जब यहाँ पे आर लिखा है ना तो यहाँ पे आर प्लस वन टर्म, तो जब जीरो आएगा ना तो फर्स्ट टर्म आता है, आर की वैल्यू जब जीरो आती है ना तो फर्स्ट टर्म आता है, आर की जब वैल्यू वन होती है तो टर्म आता है टू, आर की वैल्यू जब एन होती है तो टर्म आता है एन प्लस वन। और मैं आपको बता दूं इस एक्सपेंशन में, बाइनोमियल के एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एन नहीं होते हैं, एन प्लस वन होते हैं, एक अधिक होता है, वन मोर देन एन इज एन प्लस वन। ओके, एंड टी आर प्लस वन इज द आर टर्म, इज आर प्लस वन टर्म या आर टर्म, आर प्लस वन टर्म उसमें एनसीआर आएगा। इसका और थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं, सपोज करो आपसे कोई बोलता है 16th टर्म निकालो, क्या निकालो 16, तो टी 16 में आर की वैल्यू आप 16 लोगे 15 लोगे या 17 लोगे, आप लोगे आर की वैल्यू 15 क्योंकि ये 15 प्लस 1 है, टर्म कौन सा है 16, आर की वैल्यू 15, ए की वैल्यू एन माइनस 15 बी की वैल्यू 15, ठीक है 15। ये बात समझ लो, टी अगर 21 आ रहा है तो एन सी 20, ए की पावर एन माइनस 20 बी की पावर 20, 21st टर्म इज एन सी 220 ए की पावर एन माइनस 20 बी की पावर 20। इसी तरह से इसमें जो मिडिल टर्म आते हैं वो भी आप आराम से रीड कर लेना, बहुत सिंपल से है इसका मिडिल टर्म। तो जब एन इवन है तो एन प्लस वन ऑड है, ऑड में मिडिल टर्म सेम वन ही होता है और वो होता है एन प्लस वन बाई टू, ऑड में इसमें प्लस वन करके बाई टू कर देते हैं तो वो हो जाएगा एन प्लस टू बाई टू, ये वाला जो टर्म होता है एन प्लस टू बाई टू, ठीक है ये जो टर्म होता है मिडिल टर्म होता है। तो जब एन इवन है, नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो एक मिडिल टर्म आएगा, जब एन ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तब दो मिडिल टर्म आएंगे एन प्लस वन बाई टू और एन प्लस वन बाई टू, दो मिडिल टर्म आएंगे। ठीक है, तो इसको आप और पढ़ लेना एंड देन ट्राई द नेक्स्ट एक्सरसाइज एंड कंप्लीट दिस एक्सरसाइज, राइट, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।